तो चलिए हम देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ एक बार, ठीक है। मेरा नाम सर्वर, लोकल होस्ट सेलेक्ट, टोकन रिमूवल वाला सिलेक्टेड है, ओके। रिस्टार्ट सर्वर कर दो भाई, रिस्टार्ट कहाँ करेंगे हम। ऐप का कर दिया मैं, हो रहा है बाजी टॉप कट स्टार्ट। थोड़ी देर में सुर चालू हो जाएगा, मैं लोडिंग यहाँ पे लिखा रहा है। यहाँ पे भी बीच में एक चाहे तो लोडर दे सकते थे, अच्छा रहता, ठीक है। तो कैंसिल कर देता हूँ, इस पे जैसा ही मैं क्लिक करा ये रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। फिर इस पे क्लिक करा, ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं आता हूँ नीचे, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, डिलीट का तो हमने कर लिया सारा काम जो है, ठीक है। जैसे ही आपने क्लिक करा एडिट बटन पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस एडिट बटन पे जैसे ही आपने क्लिक करा तो डेटा अभी क्लाइंट मशीन से आ रहा है, तो इसीलिए फास्ट डेटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये सर्वर साइड से अगर डेटा आएगा तो ये स्लो होगा आने में, ठीक। तो जैसे डिलीट करने पे लोडर घूमता है, ठीक है, वैसे ही एडिट बटन पे क्लिक करें तो भी हमारा लोडर एक घूमना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो भी वहाँ पे हमारा एक लोडर आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन रेडी जब सर्वर पे जाएगा तो स्लो काम करेगा ये थोड़ा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने लोडर इस बटन के इधर मतलब लेफ्ट में नहीं लगाया था, लोडर को बटन के राइट में लगाया था। तो इसका परिणाम क्या होगा आप देखिएगा, दोनों बटन के बीच में लोडर में रखा था, तो एक ही लोडर को मैं दोनों में इस्तेमाल करने का मेरा मर्जी था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये बटन है ना, बटन का मैं एडिट वाले बटन में मैं क्या करूँगा, डी हाइफन एन ओ एन ई पास कर दिया, ठीक है। और लोडर को मैं दिखा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाऊँ, ये देखिए। तो अभी एडिट के लिए भी काम करने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बटन को बीच में रखा था लाके, ठीक है, डिलीट के इधर नहीं रखा, डिलीट और एडिट के बीच में रखा, ठीक है, इसी कारण बस। तो इसी तरह से हम लोडर को कंट्रोल करेंगे एडिट के केस में भी, ठीक। तो मैं डी नन को रख दिया जो है लोडर वाले में, ठीक है, और इससे मैं जो है हटा दूंगा, ठीक है। ये दो ठो कोड मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ये दो ठोकोड मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, ठीक। और आता हूँ मैं एडिट वाले पे नीचे, ठीक है। और ये मॉडल को हमने जो शो करा है यही क्लिक करते ही शो करा है, उसको कहाँ पे हम शो कराएंगे, यहाँ पे जैसे सक्सेस का रिस्पॉन्स आ जाए तब जो है मॉडल शो करे, ठीक है। तो इस मॉडल को यहाँ से मैंने कट करा, सक्सेस का रिस्पॉन्स आ जाएगा तब मॉडल शो होगा। या फिर हमको क्या करना चाहिए कि ये जो मॉडल है, ठीक है, मॉडल में सारा डेटा सेट हो जाए, उसके बाद जो है ये जो शो वाला है शो मॉडल वो कॉल हो, ठीक, ऐसा हो। और यहाँ पे डिलीट वाला लोडर है, ठीक है, यहाँ पे मैं फिर इसका नाम मैं एडिट रख देता हूँ ई डी आई टी, और यहाँ पर रख देता हूँ ई डी आई टी, एडिट का लोडर है, एडिट का बाकी है। अब इसमें सेंड बिफोर में कॉल करा था, ठीक है, तो सेंड बिफोर में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये एडिट बटन है,
ठीक है, ये वाला एडिट बटन वाला लोडर है, ठीक है, ताकि सारे में लोडर ना प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। डिलीट बटन पे जब हम काम कर रहे थे, लोडर को जब कंट्रोल कर रहे थे डिलीट बटन के लिए, ठीक है, तब आपने देखा होगा कि एक डिलीट बटन पे मैं क्लिक करता था तो सारा डिलीट बटन जो है आ जा रहा था, ठीक है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि सारे डिलीट बटन पे जो है ना आए। लोडर पे तो डी नन है, पर एडिट बटन पे क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है? शिफ्ट F5 दबा के रिलोड करूँ मैं? ये लोडर तो दिखना नहीं चाहिए अब। ये देखिए कैसिंग में वो हो गया था कैस, ठीक है। तो जैसे मैं डिलीट में लोडर कंट्रोल कर रहा था, सेम लोडर में कंट्रोल, अच्छा है तो ये वाला है, ये देखिए। तो डिलीट में मैंने जैसे लोडर कंट्रोल कर रहा था, ठीक वैसे ही लोडर में करूँगा कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें जो सेम बिफोर लिखा था डिलीट वाले में, वही कोड जो है मैं यहाँ भी कॉपी कर लूँगा इसके सेंड बी फोर में, ठीक है, एडिट वाले के सेंड बी फोर में। बस ये एडिट वाला लोडर वेरिएबल्स यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और ए वाला मैं कॉपी पेस्ट अभी कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहा हूँ। क्यों? वो इसलिए कि आप जो है समझ चुके हैं, ठीक है। तो सेंड बी फोर में जो है ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही सक्सेस का रिस्पांस आता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यही कोड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, और लोडर को क्या कर देंगे हाइड। तो लोडर में क्या कर देंगे ऐड क्लास, और एडिट बटन को क्या कर देंगे सो। तो डी नन को रिमूव करना पड़ेगा, एडिट बटन से डी नन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक। अब आप देखिएगा क्या होता है। रिलोड किया मैं, क्लिक करा, लोडर इतना फास्ट हुआ कि लोडर जो है दिखाई ये नहीं दिया, ठीक है। तो मैं स्लीप मेथड कॉल करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कहाँ पे है गेट स्टूडेंट, यहाँ पे है, तो गेट डेटा है, कहीं ना कहीं तो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ THREAD थ्रेड डॉट स्लिप कर देता हूँ, ठीक है, 2 सेकेंड तक, ठीक है, 2 सेकेंड तक यहाँ पे मैं स्लिप करा देता हूँ ताकि लोडर जो है दिखाई दे ठीक से, ठीक है, हो गया स्लिप। अब जो आते हैं यहाँ पे, क्लिक करा, रिलोड नहीं हुआ है अभी प्रोजेक्ट, रिलोड हो रहा है अभी, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एडिट बटन पर क्लिक करूँगा, फिर से तुरंत आ गया जी। क्लीन करता हूँ मैं एक बार मैं प्रोजेक्ट पूरा, ठीक है, क्लीन किया, ये वाला है मेरा प्रोजेक्ट करड वाला, इस पर क्लिक करा मैंने, ठीक है। डिलीट वाले में जो है मैंने लोडर को दिखा दिया था आपको पूरे एक्सपेरिमेंट करके कि कौन सा लोडर कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। आप पिछला रिकॉर्डिंग डिलीट वाला लोडर वाला रिकॉर्डिंग जरूर देखें, तभी ये लोडर का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा आपको, ठीक है। आया डेटा, इसमें क्लिक करें, ई तो दिख ही नहीं रहा है जी लोडर, इसको दिखना ना चाहिए था, कहे नहीं दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया मेरे को कहे नहीं दिखाई दे रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको कहाँ गया। ये देखिए नेक्स्ट, बात ऐसा है कि नेक्स्ट मेथड में कब कब कॉल करा था, नेक्स्ट मेथड में तब कॉल करा था, ठीक है, जब इस बटन माने डिलीट बटन के आगे वाला एलिमेंट था स्पिनर, इसलिए मैंने डिलीट वाले के केस में नेक्स्ट मेथड कॉल करके लोडर को सेलेक्ट किया था, ठीक। दिस माने ये बटन हो गया एडिट वाला, ठीक है, ये डिलीट वाला बटन, दिस मतलब यहाँ डिलीट वाला बटन हो गया। अभी डिलीट बटन का अगला एलिमेंट, तो डिलीट बटन का अगला एलिमेंट मतलब ये लोडर, तो यहाँ पे लोडर मैंने रखा, ठीक।
तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला है डिलीट बटन, तो इसको सेलेक्ट किया। अब इसका अगला एलिमेंट है ना ये लोडर, राइट। लेकिन जब मैं एडिट बटन पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका एलिमेंट अगला कहाँ है, कौन सा है, ठीक है। तो इस जब डिलीट बटन पे जब एडिट बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं इस वाले एडिट बटन पे, तो इसका पिछला एलिमेंट है ना ये लोडर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रीवियस एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को याद है प्री, ये मेथड होता है शायद इसके लिए, ठीक है। तो प्री लिख दूंगा तो पिछला जो है सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पिछला एलिमेंट मतलब लोडर, ये देखिए अब आना शुरू हो गया, ये देखिए आ गया। इस पर क्लिक करूंगा तो यही वाला आएगा, ठीक। तो ये ठीक है, ये देखिए अब लोडर जो है बराबर कंट्रोल हो रहा है पूरा, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलने लगा लोडर, घूमने लगा, आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर रहे थे तो इसका भी लोडर घूमने लगा था, जितना भी डेटा है जितना भी डेटा मतलब प्रेजेंट था उन सबका लोडर घूमने लगा था डिलीट वाले केस में। तो उसको कैसे सॉल्व किया था, सब कुछ आपके सामने किया था, आपने देख लिया है। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने एडिट के भी केस में मैंने यूज करा है, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब काम करने लगा लोडर जो है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही एडिट बटन पे क्लिक होता है तो हम क्या करते हैं, ये देखिए मैं आईडी निकाल लेता हूँ, ठीक, और आईडी एलिमेंट में रख लेता हूँ आईडी मैंने, ठीक है। डिलीट वाले बटन पे आईडी एट्रीब्यूट में आईडी लगा हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट वाले बटन पे देखिए आईडी एट्रीब्यूट में आईडी यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं डायनेमिकली आईडी उठाता हूँ, ठीक है। और एडिट में जो है ये तो एडिट बटन है, कर दिया, ठीक है। और बस उसी के बेसिस पे सारा काम मैं करता हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शन का क्या मकसद है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि डेटा को मॉडल जब आए, अब मॉडल आ गया तो इस मॉडल में फिल करना, सिर्फ इतना ही काम है और बाकी जो है कुछ काम नहीं है उस एडिट वाले मेथड का, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें करना है वो ये कि हमें जाना है सेव वाले में, ठीक। तो सेव फंक्शन कहाँ है, ये वाला है ऑन सबमिट, ठीक। तो इसके केस में क्या होगा, ऑन सबमिट के केस में मेथड पोस्ट ही रहेगा, ठीक है। यूआरएल भी रिक्वेस्ट यही करेगा, मैं दूसरा फॉर्म नहीं बनाना चाह रहा हूँ, नहीं दूसरा एजेक्स रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर्म डेटा में पूरा फॉर्म है ही है, प्रोसेस डेटा फाल्स, कंटेंट टाइप पूरा फाल्स सही है। HTML में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज वेट, तो लोडर आपको मैं बोला था तो आप लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे डन का मैसेज आता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बाकी सारा काम हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फील्ड का मैसेज आता है तो हम यहाँ ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या नया क्या करना है यहाँ पे, अपडेट के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो अपडेट के लिए हमें करना है वो ये कि क्या करना है भाई, बताता हूँ मैं आपको, यही सारा कुछ होगा अपडेट के केस में भी। अपडेट के केस में एक चीजें एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। अपडेट के केस में हम एक तो यहाँ से एक्स्ट्रा वैल्यू लेंगे, ठीक, हिडन रहेगा, इसमें आईडी रहेगा, इस आईडी के आधार पे हमको क्या करना होगा, अपडेट करना होगा डेटा, ठीक है। इस आईडी के आधार पे हम डेटा जो है अपडेट कर देंगे, राइट। तो चलिए एजेक्स का रिक्वेस्ट कर लेंगे, मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आया यहाँ पे नीचे, और स्टूडेंट पे आ जाता हूँ, कॉल करेगा, और यहाँ पे पोस्ट मेथड खोजता हूँ, ए डू गेट है, इसको मैं क्या करता हूँ फोल्ड, ऐसे करके फोल्ड कर दिया, ए डू पोस्ट मेथड है। डिलीट मेथड को भी मैं फोल्ड कर दिया, ठीक है, ए डू पोस्ट है, तो हम अपडेट के लिए भी डू पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे जो करना है वो ये कि इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, ऐसे करा, यहाँ नेम के जगह पे क्या करूंगा मैं आईडी, ठीक, और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मैं आईडी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आईडी, ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, int int आईडी, ठीक है, अब पर डेट अंडरस्कोर आईडी कर दूंगा, ठीक है, और फिर क्या करूंगा, इंटीजर डॉट पार्स, ठीक है, पार्स कर दूंगा आईडी को, यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स मैंने कर दिया, ठीक है, तो इसमें अपडेट आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद मेन कंडीशन लिखूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखूंगा इफ, अगर इफ, ये इफ वाला अगर इक्वल इक्वल जीरो है, ठीक, अगर इक्वल इक्वल जीरो है, मतलब क्या हो रहा है, आईडी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी काम हो रहा, ठीक है, जीरो आ रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो भी काम सेव वाला हो रहा है सब कर देंगे इसके अंदर, ठीक। तो ये सारा काम जो है मैं कट करता हूँ यहाँ से, इसको कर देता हूँ ऊपर इसके, ठीक है, और ये जो सेव वाला काम है इसको कट करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। अगर आईडी आ रहा है, आईडी में है जीरो, तो क्या करो जी, तब तो डेटा इंसर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन जीरो अगर नहीं है आईडी में तब क्या है, तो जीरो नहीं होगा तो वन टू थ्री कुछ भी होगा आईडी, तो जब कुछ भी होगा तो उसके केस में क्या करेंगे हम, उसके केस में कर देंगे अपडेट, ठीक, ठीक है। तो अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा चीजें डेटा हमने गेट कर ही लिया है, ठीक है, यही कोड हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे, देखिए इसी को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे भी ले लाता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ एक फंक्शन बना सकते हैं अपडेट का, ठीक है, अपडेट का, उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस पास कर देंगे और काम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो है डेटा बहुत कम है, 3 रिकॉर्ड ही है, तो मैं सारा काम इस डू पोस्ट के अंदर भी लिख दूँ तो मुझे कोई समस्या उतना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं अपडेट और ऐसे, और ये वाला जो रिस्पांस और रिक्वेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे आएंगे पेस्ट कॉमा दे दीजिए ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ठीक है, इधर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, क्रिएट मेथड, तो मैंने मेथड क्रिएट कर दिया, ठीक, क्रिएट मेथड पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, अब मेथड अपडेट के नाम से क्रिएट हो गया, ठीक है, तो अपडेट के लिए हम यहाँ पे मेथड बना देंगे, ठीक है, और इसी के अंदर अपडेट के रिलेटेड सारा कोड लिख देंगे, जैसे ये सारा कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये सारा कोड, ठीक है, और इवन मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो कोड मैं लिखा हूँ ये भी लिख दूंगा अपडेट के अंदर ही, ठीक है, और जिस तरह से अपडेट के लिए मैंने मेथड बनाया है उसी तरह से मैं क्या करूँगा कि एक सेव के लिए भी मेथड बना लूँगा, ऐसे सेव के लिए भी एक मेथड बना लूँगा मैं, और सेव का सारा लॉजिक इसके अंदर लिख दूंगा, अपडेट का सारा लॉजिक इसके अंदर लिख दूंगा, और फिर यहाँ पे कंट्रोल कर दूंगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करूँगा आईडी को गेट करूँगा, और आईडी के बेसिस पे जो है यहाँ पे इस सब को हटा करके कॉल कर दूंगा सेव मेथड यहाँ पे, और यहाँ पे अगर जीरो नहीं है तो यहाँ पे इन सब को हटा करके कर दूंगा अपडेट मेथड कॉल, और ये जो सिलेक्टेड लॉजिक जितना है ये सारा लॉजिक मैं कहाँ लिख दूंगा, इस अपडेट वाले के अंदर। तो ऐसा आप लिख दें अगर भारी भरकम आपका कोड वहाँ पे लिखा है, बहुत ज़्यादा डेटा आपने लिया है तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आ गया यहाँ पे जी,
तो ऊपर तो ये सेव का सारा कोड हो गया, ठीक है, अपडेट कर, हटना फालतू के, ये अपडेट के लिए है लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डन के जगह पे लिख दूंगा अपडेट, ठीक, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपडेट आईएलडी, अपडेट फील्ड, ठीक है, यहाँ पे मैसेज में ये दे दूंगा, ठीक। आप स्टेटस कोड वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट हुआ या अपडेट नहीं हुआ। मैं स्टेटस वगैरह अभी नहीं डालने, देखूंगा जैसा ज़रूरत होगा। देखते हैं, क्रिएट मेथड, क्रिएट कर देता हूँ अपना मेथड, ठीक। अब मेथड यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये मेथड कहाँ पे आया है, स्टूडेंट डाव के अंदर क्रिएट हुआ है। तो आप भी इसी तरह से काम कर लिया करोगे, ठीक है। तो आ गया मैं अपडेट के अंदर। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कनेक्शन इक्वल टू database.getConnection, फिर उसके बाद क्या, प्रिपेयर स्टेटमेंट ps इक्वल टू ऑन डॉट प्रिपेयर, यहाँ पे एसक्यूएल का क्वेरी आएगा, तो मैं एसक्यूएल का क्वेरी लिख देता हूँ, अपडेट स्टूडेंट्स, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मोबाइल कॉमा होगा यहाँ पे, मोबाइल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो नेम मोबाइल ईमेल हो गया। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाऊंगा, फिर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्वेरी हो गया रेडी, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम नेम ये कर दूंगा मैं सराउंड ट्राई एंड कैच। ठीक है, अब आ जाऊंगा मैं यहाँ पे ps डॉट सेट स्ट्रिंग, वन पैरामीटर में मुझे क्या देना है, नेम, तो बीन डॉट गेट नेम, ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ऐसे, ठीक है। आप टाइप कर लिया करोगे मैनुअली, ठीक है, आपको क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, तो मोबाइल कर देंगे, यहाँ पे ईमेल कर देंगे, यहाँ पे आईडी कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे इंट, यहाँ पे कर देंगे फोर, यहाँ पे कर देंगे थ्री, यहाँ पे कर देंगे टू। तो ये फोर वाला आखिरी में मैं दिया हूँ, ये वाला इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट कर देगा, राइट। मैं सेव, फिर यहाँ पे आता हूँ ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट मेथड में कॉल कर दूंगा, ठीक है, इनपुट क्वेरी नहीं, एग्जीक्यूट अपडेट इक्वल इक्वल वन, ठीक है। तो रिटर्न टी आर पी, ठीक है, रिटर्न ट्रू अन्यथा फाल्स कर दो। इस तरह से भी आप शॉर्ट हैंड टेक्निक से कोड लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए हैं, कुछ लोगों को हो सकता है कि समझने में प्रॉब्लम हो, तो मैं शॉर्ट हैंड टेक्निक से नहीं लिखता हूँ, लॉन्ग हैंड टेक्निक से ही लिख देता हूँ, ठीक है, रिटर्न टू, ठीक है, रहने देता हूँ, आखिरी में तो फाल्स रिटर्न मैंने किया ही है, ठीक है। तो हो गया, अब क्या करेंगे, आते हैं स्टूडेंट के पास, ठीक है। सब कुछ सही है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
रिस्पॉन्स डॉट सेट रिस्पॉन्स डॉट सेट 500 में सेंड कर देता हूँ। इंटरनल सर्वर एरर का सर ये कोड है, ठीक है। और यहाँ पे इज सेव जो है इसको मैं इज अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे और यहाँ पे स्टेटस को सेंड कर दूंगा 200, ये सक्सेस के लिए मैसेज है, ठीक है। देखिए अगर मैं बंद कर देता हूँ सर्वर, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं सीधा अपडेट मैसेज दे देता और सीधा अब सर्वर तो बंद ही में कर दूंगा, नहीं चाहिए, प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को, और सीधा अपडेट फेल्ड लिख देता तो क्या होता। इस मैसेज को देख के तो हम समझ ही जाते कि हो ना हो दाल में कुछ काला है, गड़बड़ है, अपडेट हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एरर आ गया, ठीक है। लेकिन ब्राउजर जो है इस बात को नहीं समझता है इस मैसेज को देख करके। ब्राउजर कब समझता है, जब हम स्टेटस कोड सेट करते हैं। स्टेटस कोड को पढ़ करके ब्राउजर समझता है कि 404 स्टेटस कोड आया है सर्वर से, मतलब नॉट फाउंड, डेटा नहीं मिला है। 500 आया मतलब सर्वर में कुछ लोचा है। 200 आया मतलब सब कुछ सक्सेस, काम डन हो रहा है। तो ये होता है कि 200 से रिलेटेड अगर स्टेटस कोड आया है तो सक्सेस का है, 5 के रिलेटेड 500 मतलब 5.x आया है स्टेटस कोड तो सर्वर के रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर 4.x आया है स्टेटस कोड तो क्लाइंट साइड में कुछ एरर है। तो इस तरह का स्टेटस कोड वगैरह होता है, ठीक है। तो मैंने ये सेट कर दिया, ये एरर दे रहा है, कहाँ एरर दे रहे हैं, सेव नहीं किए हैं क्या, इसलिए एरर दे रहा है। सेव कर दिया तो एरर गायब हो गया। अब मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लिया इसे, ठीक है। अच्छा यही स्टेटस कोड जो है ना मैं इसमें भी सेट कर ही देता हूँ। ये देखिए ई मैसेज बार चला गया नीचे, तो इसको मैं कर दूंगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे कर लिया, यहाँ पे भी मैंने स्टेटस कोड सेट कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट बनता है ना, जैसे क्या कहते हैं आप वेब सर्विसेज वगैरह REST API वगैरह डेवलप करो तब इस तरह से कोड किया जाता है, 500 स्टेटस कोड या फिर ये डन वगैरह। लेकिन सर्वलेट वगैरह पे जो कोई अगर काम करता है तो इस तरह से स्टेटस कोड वगैरह सेंड नहीं करता, सिंपली रिस्पॉन्स देके कर लेता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसी तरह से करना चाह रहा हूँ AJAX वगैरह का इस्तेमाल करके, तो ऐसे ही मैं कर दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी स्टेटस कोड वगैरह सेट करो, ठीक है। आपको नहीं सेट करना है मत करो, जैसे मैंने यहाँ पे इफ का कंडीशन लगाया है वैसे इफ का कंडीशन लगा के सारा काम कर लो, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि देखिएगा, क्या करा मैंने, इज सेव वाला ये है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ ना कि एक्स्ट्रा जो स्पेस है, ठीक है, इसको मैं गायब कर देता हूँ, ठीक है। ई करली ब्रेसेस कर दिया मैं इधर, ठीक है, ऐसे कर दिया ताकि कोड को मैं ना दिखा सकूं आपको, ऐसे सारा कोड ईद नहीं है जो है, ठीक है। ये नीचे का कोड है आप देख ही रहे हैं, ठीक है, और ऊपर का कोड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 500 कैन सेट किए हैं भाई, ये कॉपी पेस्ट की दिक्कत है, ठीक है। तो अगर 500 अगर आता है स्टेटस, ठीक है, 500 नहीं 200, तो किसी भी सूरत पे ये सक्सेस का ही फंक्शन कॉल होगा। लेकिन वही अगर स्टेटस कोड यहाँ से मैं कुछ एरर का करता हूँ सेंड, जैसे एरर के लिए स्टेटस कोड सेट किया 500, ठीक है, तो क्या होगा, AJAX का ये एरर वाला इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक। तो अलग अलग कंट्रोल करने के लिए जो किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर ले जाऊँगा, यहाँ तक देखिए पॉइंट आ रहा है, तो ये जो फील्ड वाला जो था ना इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, ठीक है,
यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब एजेक्स एरर, यहाँ पे एरर का मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मैसेज पढ़ने के लिए ई कोड लिखना नहीं है, यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा। मैं ना आपको दिखाता हूँ कैसे प्रिंट करके रिस्पांस, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला है। इस ये कोड अभी प्रॉपर चल रहा है सेव के लिए, ठीक है। लेकिन सेव का जो है ना, मैं इसमें कुछ गलती कर देता हूँ सेव के केस में, ठीक है। तो अपडेट वाला में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सेव स्टूडेंट किधर है, गेट स्टूडेंट है तो है, पोस्ट मेथड में ही होगा, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। मैं यहाँ से एक ठो हटा दिया, सेव स्टूडेंट वाले में सिंटेक्स एरर हो गया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। तो ये किसी भी कीमत पे चलेगा नहीं, फेल्ड ही हो जाएगा अपडेट। और फिर हमारा कौन सा कोड चलेगा, ये वाला चल जाएगा, ठीक, ये वाला रिस्पांस चलेगा, ठीक है। ये वाला रिस्पांस हमारा चल जाएगा, ये वाला नहीं चलेगा, डन तो होगा नहीं तो चलेगा ये वाला। जब ये वाला जब रिस्पॉन्स आएगा फेल्ड का, जब यहाँ पे फेल्ड का रिस्पॉन्स आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारा चलेगा एरर वाला इवेंट। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन दिया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम क्या, सेव कर दिया मैं इसको, ठीक है। सर्वलेट में मैंने सेव कर दिया, सर्वर तो चालू करना पड़ेगा ना, कर दिया स्टार्ट, स्टार्ट हो गया मेरा सर्वर। कितना समय हो गया, 32, थोड़ा ही समय बाकी है अपडेट का काम है। चलिए मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पहले इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, आईडी स्टूडेंट, कुछ भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ डेटा। इस पर क्लिक किया, मैं वेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 500 स्टेटस कोड एरर। अब यहाँ देखिए, हमने जो दिया था मैसेज, ठीक है, वो इसके अंदर आया है, ठीक है। स्टेटस कोड 500, इंटरवल सर्वर एरर, पता नहीं टॉमकैट, लंबा चौड़ा पार्सिंग वगैरह का, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। नहीं, ये कुछ और एरर आया हुआ है। ये क्या एरर है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। HTML में, ठीक है। और एरर यहाँ पे ये है कि इसमें डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसमें मैं डिफॉल्ट वैल्यू 0 देता हूँ, ठीक है। जीरो दे दिया डिफॉल्ट वैल्यू। अब इसको करूँगा मैं ऐसे, अब आप देखिएगा, एंटर किया, प्लीज वेट आ रहा है। अब देखिए 500 एरर आ गया, क्योंकि मैंने सिंटेक्स एरर कर रखा था डाउ में। ये देखिए अब रिस्पांस टेक्स्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे मैसेज वही आ रहा है जो हमने, कहाँ गया सर्वलेट, सर्वलेट के केस में हमने यहाँ पे दिया था, ठीक है। फील्ड के केस में हमने फील्ड दिया था, ठीक है। तो इस तरह से टेकल कर लेंगे हम, ठीक है। तो आऊंगा मैं यहाँ पे और आऊंगा नीचे सेव वाले मेथड के पास, और एरर में मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, ऐसे करूंगा इसको, ठीक है। रिस्पॉन्स इस एरर को यहाँ से यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे डॉट
रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट मैं कॉपी करा था वहाँ से, यहाँ पे कर दिया। चाहिए तो आप ट्रिम कर लीजिए, थोड़ा वाइट स्पेस वगैरह होगा आगे पीछे, तो दे देखिए। फील्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, दे देंगे फील्ड ट्राई अगेन लेटर, ठीक है ये सब। और फिर इसी को क्या करिए, आप कॉपी करिए मैसेज को, ठीक है, या फिर एल्स इफ लगा लीजिए यहीं पे, एल्स इफ ऐसे, और आपका मैसेज दे दीजिए ऐसे। और इसमें क्या मैसेज आपको देना है, फील्ड नहीं चेक करना है यहाँ पे। हमने अपडेट के केस में क्या मैसेज दिया है, अपडेट फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे चेक करूँगा मैं अपडेट फील्ड के केस में, ठीक है। तो इसके अपडेट फील्ड के जो केस में यहाँ पे मैं लिया हूँ ना, इसी को मैं क्या करूँगा, मैसेज को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैं कुछ और तामझाम नहीं करना चाहता ऐसे, ठीक है। तो इसका इफ जो है यहाँ पे बंद हो गया, ठीक। एक मिनट, रिमूव क्लास डेंजर HTML MT, ठीक है सब कुछ ठीक सही। लेकिन वही यहाँ पे जो डन मैसेज आ रहा है ये किसका आ रहा है, ये तो सिर्फ सेव करने का आ रहा है, लेकिन हमको इसके लिए भी तो लिखना पड़ेगा अपडेट के लिए, ठीक है। तो अपडेट के लिए भी हम कंडीशन चेक कर लेंगे सक्सेस के अंदर, ठीक। क्या चेक करेंगे, एल्स इफ रेस डॉट ट्रिम अपडेट, अगर है तो क्या करो, इस इफ यहाँ पे माउस ले जाऊंगा मैं और यहाँ तक देख लूंगा, और यहाँ से अंदर जितना भी कोड है इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, जो रीसेट वाला फॉर्म को वैल्यू पूरा रीसेट करने का है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करूँगा। 3 सेकेंड लेट काहे के लिए हम करेंगे, हम तुरंत फॉर्म को रीसेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हम डिलीट करेंगे ऐसे, 3 सेकंड क्या करेंगे डिलीट रुक के, ठीक है। मैं इधर भी आऊँगा और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगा, ठीक हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब चलिए हम काम करना शुरू करते हैं। मैं आया इस पे, ठीक है, लोडर प्रेजेंट हुआ, TEST टेस्ट लिखा, कर दिया मैं सेव, फेल्ड ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। अब इधर जो है अपडेट फील्ड का मैसेज आया है, अपडेट फील्ड का काहे मैसेज आया है भाई, देखते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। स्टेटमेंट सिंटेक्स एरर, मोबाइल कॉलम का नेम मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे मैंने एक चीज और देखिए, सेव में हमने सिंटेक्स एरर करा था ना, उसको मैं कॉमा लगा के सुधार दे रहा हूँ, यहाँ पे सुधार दिया मैं, आप भी सुधार देना, नहीं तो हमको मन में गरियाओगे कि पता नहीं क्या है कर दिया, ठीक है। अपडेट वाला मेथड कहाँ पे है, ये तो गेट स्टूडेंट है, नीचे होगा, MOBI लिखना पड़ेगा तब जाकर के ठीक होगा, ठीक है। सेव कर दिया मैं इसको, देखते हैं बिल्ड बिल्ड करके, रिलोड हो गया हमारा, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, इसको कर दूंगा मैं गायब, इसको कर दूंगा ऐसे, फिर ऑर्डर घूमा, ये आ गया, यहाँ पे मैं TEST कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ क्लिक करा, फिर
फिर से यहाँ से फील्ड का ही मैसेज आया है, देखते हैं। ये तो कंसोल में कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ जी, क्यों प्रिंट नहीं हुआ? मैसेज फील्ड का आया, मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो 41, नेम में आईडी यहाँ पे ही है, टेक्स्ट में जो है आ गया अपडेट फील्ड। तो ये अब अपडेट क्यों हुआ, स्टेटस टेक्स्ट है मेरा, देखते हैं। मैं क्या करूंगा, एक बार प्रोजेक्ट को पूरा क्लीन करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो वही गलत हुआ है। देखिए यहाँ पे हमको आईडी तो देना ना पड़ेगा कुछ, ठीक है। गलती यहाँ पे है कि यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक करा है, अपडेट का आईडी अगर 0 आता है तब तो सेव वाला चलेगा, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होता है तो ये वाला चलेगा ना। लेकिन और अपडेट के लिए हमें आईडी तो यहाँ देना पड़ेगा ना, तो आईडी को हम क्या करेंगे, देंगे यहाँ पे आईडी। ये आईडी न देने की वजह से हमारा अभी फेल्ड हुआ, बाकी कोई कारण नहीं था फेल्ड होने का। तो आप इसको सुधार लेना, मैंने आपके सामने सुधार दिया। ट्राई करता हूँ फिर से, कंसोल में देखता हूँ, देखते हैं अब की बार क्या रिजल्ट आता है। मैं सेव पे क्लिक किया, प्लीज वेट, बोल रहा है सक्सेस, अपडेट हो गया मतलब हमारा, ठीक। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट आ गया ना, मतलब ये अपडेट हो गया। इसको भी अपडेट करके देखते हैं, यहाँ पे आया अपडेट, एंटर किया सक्सेस, ठीक। ये देखिए यहाँ पे भी अपडेट हो गया है, रिलोड करके ला दिया तो भी अपडेट हो गया, ठीक है। तो अपडेट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, अब सब कुछ हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। डिलीट पे क्लिक करेंगे, कैंसिल कर देंगे, कुछ नहीं होगा। इस पर फिर से क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करूँगा तो डिलीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम जो है पूरा हो गया। एक चीज और आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब इस पे मैं किया क्लिक, नहीं, रुक जाइए, पेज में रिलोड कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, ऐड यहाँ से करता हूँ एक डेटा, ACMANT मोबाइल नंबर @.a. ठीक है, मैं कर दिया सेव, सेव हो गया, ठीक है। इसको मैं करूंगा क्लिक, अब यहाँ पे आऊंगा, मैं स्लिप लगा रखा था ना इसीलिए ये घूम रहा है। अब मैंने अपडेट किया ऐसे, ठीक है, सेव पे क्लिक करा मैंने, सेव सक्सेस हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक, या फिर से लाया, ये देखिए अभी ये वैल्यू यहाँ पे कितना सेट है, 49। मैंने इसको क्लोज करा, फिर इस पे मैंने क्लिक करा, ठीक, तो वैल्यू कितना है, 49 ही है। 49 क्यों होना चाहिए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए ना। मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप किया, ऐसा कर दिया, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव बटन पे, सक्सेस का मैसेज तो आया लेकिन डेटा अपडेट हो गया यहाँ पे। फिर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो डेटा मेरा अपडेट हो जाया करेगा। तो इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन हम एक ही करेंगे कि जैसे ही मॉडल ओपन हुआ तो हम बाहर कुछ भी क्लिक करेंगे, नहीं होगा। ये बंद मॉडल कब होगा, जब इस पे क्लिक किया जाए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही मॉडल, ये मॉडल जैसे ही हाइड होता है मॉडल, तो जैसे मॉडल हाइड होगा तो क्या करो, इनपुट टाइप का जो एलिमेंट है ना, इनपुट टाइप जो है, इसका वैल्यू जो है 0 फिक्स कर दो, ठीक।
क्या करेंगे, ये खुलता है तो इसका एक इवेंट है, बंद होता है तो भी इसका इवेंट है। बूट स्ट्रैप हमें इवेंट देता है, ठीक। बूट स्ट्रैप फॉर मॉडल इवेंट, मॉडल इवेंट जो है हम ले लेंगे। सबसे आखिरी में मैं आया, ठीक है, मॉडल सो हाइड आखिरी में ही मैं आता हूँ। ये देखिए, ये वाला है जो कि मॉडल क्या करेगा, सो होगा तब चलेगा। ये मॉडल क्या है, दिस इवेंट इज फायर व्हेन मॉडल हैज बीन विजिबल यूजर, मतलब सो हो जाएगा तो उसके बाद ये जो है चलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, हाइड हो जाएगा तो चलेगा, ये इवेंट इमीडिएटली व्हेन हिडन इंस्टेंट मेथड हैज कैंसिल। और ये क्या हो जाएगा, मॉडल हैज बीन फिनिश्ड बिगिन हिडन, मतलब पूरी तरह से हाइड हो जाएगा तब ये वाला चलेगा, और हाइड होने से जस्ट पहले ये वाला चल जाएगा। मुझे यही वाला इवेंट ज़्यादा पसंद है, ठीक। तो इसको क्या करिए, ऐसे कर दीजिए, सेलेक्ट करिए यहाँ से, ठीक है। और मैं आऊँगा नीचे, आ जाऊँगा जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। और बस जस्ट इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, कर दूँगा पेस्ट, यहाँ पे आ जाऊंगा। हाइड इवेंट ही था ना यहाँ पे, इवेंट क्या था, ये हाइड, ठीक है। हाइड है, ठीक है। मॉडल का क्या नाम है मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, माय मॉडल, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आईडी है ये, ठीक है, पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कर दूंगा डबल कोट में हाइड, ठीक है। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, क्लिक करूंगा इस पे, इस पे आया, यहाँ पे करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्लिक, ठीक है। यहाँ पे देखना वैल्यू अभी जीरो है, ठीक है, क्लोज किया, ठीक। वैल्यू अभी मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ओपन किया कुछ नहीं हुआ, जैसे इस पे किया तो हाइड वाला कॉल हो गया, इसको मैं फिर से गायब कर रहा हूँ, फिर आप देखिएगा। इस पे किया, जैसे ही क्लिक करूँगा हाइड वाला इवेंट कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या होता था कि एडिट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये आया। अब इस पे मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 41 है आईडी, ठीक है, इस पे मैं क्या करूँगा, एडिट करा और इस पे कर दिया मैंने क्लिक, हो गया। इसको मैंने बंद कर दिया लेकिन वैल्यू अब भी 41 ही है। फिर से इसको मैं करूँगा ओपन, और फिर यहाँ पे कुछ डाल के जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो वैल्यू में तो 41 ही है ना, गैप तो हुआ नहीं है, तो इसीलिए डेटा अपडेट हो जा रहा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को जो है यहाँ पे जीरो अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे, डॉलर इनपुट नेम आईडी .val और इसमें पास कर दूंगा जीरो, वेल मेथड में पास कर दूँ चुपचाप जीरो। और फॉर्म रीसेट करने का जो हमने कोड लिखा है ना, ये ट्रिगर, ये आप चाहो तो इसी में कर दो, जैसे ही सो, जैसे ही हाइड होने लगे तो ट्रिगर हो जाए, लेकिन मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा इससे ज़्यादा, ठीक है, हो गया। अब आप देखिएगा क्या होगा, ये देखिए वैल्यू जो है जीरो है, इस पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे ये देखिए आ गया, यहाँ पे वैल्यू 41, ठीक है। मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देता, ठीक, सेव पे क्लिक किया, सब सक्सेस भी हो गया। अब जैसे हाइड पे यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा हो जाएगा जीरो, ठीक, यहाँ पे हो गया आप जीरो, यहाँ पे वैल्यू अपडेटेड है।
अब यहाँ पे नया रिकॉर्ड में ऐड करूँगा, न्यू स्टूडेंट, एंटर दबा दिया मैंने, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ डालते हैं, कर दिया सेव बटन पे क्लिक, नया रिकॉर्ड देखिए ऐड हो रहा है, करूँगा डिलीट, रिकॉर्ड हो जाएगा डिलीट, ठीक है, फिर से इस पर क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है, एडिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से एडिट, सेव पे क्लिक करूँगा, सेव सक्सेस हो गया, 52 में जैसे क्लिक करूँगा ये हो गया 0, फिर से यहाँ पे आऊँगा, न्यू करूँगा, सेव पे क्लिक करा, नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो ये अब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया 51। एक काम छोटा सा रह गया है करने को, तो मैं कभी कर दूंगा, कि जैसे न्यू पे क्लिक करते हैं तो भी जो है सेव बटन ही रहता है, ठीक है, और जब एडिट के लिए हम क्लिक करते हैं तो भी यहाँ पे सेव ही रहता है, अपडेट होना चाहिए ना, तो इस टेक्स्ट को भी हमें चेंज करना होगा, ठीक, ये टेक्स्ट आप चेंज करके देखिएगा, आपसे अगर चेंज नहीं होगा मैं कर दूंगा। अब मैं क्लिक बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा फिर भी जो है हाइड हो जाएगा, ये देखिए हाइड क्या वो 0 हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो चलिए 1:20, अब इससे ज़्यादा रात तक तो हम नहीं बैठेंगे अभी, ठीक है, तो सारा काम हो गया है, ठीक है, मैंने एक काम इसमें नहीं करा है, कुछ वैलिडेशंस वगैरह का, उसको हम देखेंगे आगे, ठीक है, चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को।